श्रीराम। तुम्हारे बाण हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकते मेघनाथ। लक्ष्मण भैया, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए, तब ये मेघनाथ जहां भी होगा वहां आप इस पर अपने बाणों का वार कर सकेंगे। तुम कहीं भी चले जाओ मेघनाथ, मेरे बाण तुम्हारा काल बनकर पीछा करेंगे। कहा था ना लक्ष्मण, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इसका वध तो लक्ष्मण जी के द्वारा ही होना है, किंतु ये उनके बाणों से सुरक्षित क्यों है? कहीं इसमें उस दुष्ट रावण की कोई चाल तो नहीं? प्रभु हनुमान जी, भ्राता लक्ष्मण, मुझे पितृ पर्वत पर कोई दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ की सुरक्षा का कोई उपाय किया है जिससे उसका वध न हो सके। मैं वहां जाकर इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास करता हूं। मेघनाथ को अजय बनाने के लिए मैं हर संभव असंभव प्रयत्न करूँगा। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करूँगा, वो भी मुझे निराश नहीं करेंगे। हे प्रभु, मैं सदा आपका महाभक्त रहा हूँ, सदा पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की है। आपको मेरी भक्ति का फल देना ही होगा। मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा और जब तक मेरा जाप संपन्न ना हो तब तक मेरे पुत्र मेघनाथ को शत्रु का एक भी बाण छू ना पाए। बस आपसे इतनी विनती है। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृत्तेर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृत्तेर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्येर्मुक्षीयमामृतात्। मेरा अनुमान उचित था, ये रावण की ही योजना थी। अब जब तक नवग्रह अपने स्थान से हटकर मेघनाथ का मृत्यु योग नहीं उत्पन्न करते और रावण का महामृत्युंजय जाप भंग नहीं होता, मेघनाथ का वध असंभव होगा।
बल नहीं छल का प्रयोग करे तो हमें उनके छल का उत्तर युक्ति से देना चाहिए। मुझे भी वही करना चाहिए। मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ और रावण को पता भी ना चले। विघ्नहर्ता श्री गणेश यहाँ आ गए तो वो हमारी समस्या को अवश्य दूर करेंगे। रावण अभी भी गणेश जी के आगमन से अनभिज्ञ है। पितृ पर्वत से आने वाली ये भयंकर ध्वनि और मेरे अस्त्र का इस प्रकार से कंपित होना किसी अनर्थ की सूचना तो नहीं? नवग्रह कहीं रावण की जाप का लाभ उठाकर चतुराई करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? पांडासुर, क्या संकट के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ, स्वयं जाओ वहां पर। हाँ, मुझे पता करना ही होगा इस हलचल का कारण। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आसुरी पर्वत रावण को सतर्क करने का प्रयास कर रहा है। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। तभी नवग्रहों की सहायता कर पाऊंगा जब उन तक पहुंच पाऊंगा। इसके लिए तो मुझे सावधानी पूर्वक बिना कोई ध्वनि किए चलना होगा। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। सब ठीक है। नवग्रहों को ज्ञात हो गया है कि वो वहां से कदापि मुक्त नहीं हो सकते। लक्ष्मण भैया, अवश्य रावण ने मेघनाथ को सुरक्षित करने के लिए वही किया है जो उसने पहले किया था। हनुमान जी, मेरे बाण ऐसे इसकी नियति से भेंट करवा कर ही रहेंगे। अवश्य लक्ष्मण भैया, इसकी नियति तो निर्धारित है, किंतु रावण जिसे बल से अधिक छल पर विश्वास है उसने अवश्य ही नवग्रहों को विवश किया होगा। इसकी मृत्यु का योग कुंडली में बदलने के लिए साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की सहायता से इस दुष्ट के लिए अवश्य ही कवच भी बनाया होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो लक्ष्मण भैया, मैं जाके देखता हूँ कि रावण ने इसकी रक्षा हेतु क्या किया है और इस सुरक्षा चक्र को नष्ट करने का क्या उपाय है। नहीं हनुमान जी, विघ्नहर्ता गणेश हमारी सहायता करेंगे। वो वहाँ गए हैं तो इस संकट को मिटाकर ही लौटेंगे। हमें यहाँ अपना ध्यान इस दुष्ट के ऊपर केंद्रित रखना चाहिए। क्या हुआ, निरुत्तर हो गए तुम दोनों? पर हार कर सकते हो किंतु मेरा भाग्य नहीं बदल सकते, क्योंकि आज मेरी कुंडली में मृत्यु योग है ही नहीं।
मेघनाथ की कुंडली में मृत्यु योग लाने के लिए हमें दो उपाय करने होंगे। प्रथम मंगलदेव जी, आपको सूर्यदेव के साथ अपना स्थान परिवर्तित करना होगा। गणेश जी मैं यहाँ हूँ। और शनिदेव, आपको पांचवें स्थान से छठे स्थान पर आना होगा, तभी उसी पल मेघनाथ का मृत्यु योग उभर आएगा। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ गणेश जी। रावण की दुष्टता से मैं भली भांति परिचित हूँ। उस दुष्ट ने ही आप सबके मार्ग में विघ्न उत्पन्न किया है, किंतु अब चिंता मत कीजिए, मैं दूर करूंगा आप सभी का विघ्न। इसलिए योग के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित कीजिए और मेघनाथ के मृत्यु योग का मार्ग सरल कीजिए। यहाँ मेघनाथ के जीवन दीप की लौ बढ़ती जा रही है और उधर वो दुष्ट अट्टहास कर भैया लक्ष्मण और हनुमान जी का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। तुम्हारे सभी अस्त्र तो तिनकों के समान बिखर गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तविक अस्त्र और उसका प्रहार कैसे होता है। पिशाचास्त्र, पिशाचास्त्र। मंगलदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप जिनका स्थान परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो मात्र हमारे प्रतिरूप हैं गणेश जी। हम तो यहाँ रावण के बंदी हैं। इधर देखिए गणेश जी, हम यहाँ हैं। गणेश जी, हम वहाँ नहीं हैं। गणेश जी, हम यहाँ रावण के बंदी हैं, हमारी सहायता कीजिए गणेश जी। गणेश जी वहां से हमारे प्रतिरूपों को ही देख पा रहे हैं, हमें नहीं, इसलिए यहां से हमारे स्वर सुनने में असमर्थ है। मेरे अनुरोध पर भी आप सभी अपने स्थानों पर ही क्यों स्थिर हैं? ऐसा क्यों है कि आप ना कुछ कह रहे हैं ना मुझे सुन रहे हैं? शनि देव, कृपा कर शीघ्र अपने स्थान से हटिए, क्योंकि यदि मृत्यु योग नहीं बना तो मेघनाथ अजय रहेगा, और यदि रावण को ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ तो एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊँ विघ्नहर्ता गणेश कि वो तो मात्र मेरा एक प्रतिरूप है। वहाँ से हटने की कृपा कीजिए शनिदेव, अन्यथा मैं शनिदेव को स्पर्श कर पाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? ओह, तो ये आपका वास्तविक रूप नहीं शनिदेव, अर्थात रावण ने आपको कहीं बंदी बना कर रखा है। तो सर्वप्रथम मुझे वहां पहुंचकर आपको मुक्त करवाना होगा। संकट जब मुख खोले खड़ा हो तो उसका उपाय शीघ्र करना चाहिए। मुझे रावण का रहस्य ज्ञात करना होगा, अन्यथा मेघनाथ इस स्थिति का लाभ उठाकर कहीं कोई और भी बड़ा संकट ना उत्पन्न कर दे। मेरे पिशाच अस्त्र का सामना करना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। मेरे लिए तुम्हारे अस्त्र को नष्ट करना ना ही कठिन है और ना ही असंभव है मेघनाद। लक्ष्मण भैया, आश्चर्य, आपके बाणों को इसने प्रभावहीन बना दिया और अपने भीतर समाहित भी कर लिया, ये कैसे संभव है? दोनों ही मेघनाथ का सामना नहीं कर पा रहे हैं, किंतु गणेश जी वो कहाँ हैं? पितृ पर्वत पर वो ध्वनियां, तो क्या पितृ पर्वत पर उन ध्वनियों का कारण गणेश जी थे? यदि वो वहां हैं,
तो मेरी विजय में विघ्न उत्पन्न कर रहे होंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। अब मैं यहाँ और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे ये विचार करना होगा कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूँ। हमें क्षमा करें गणेश जी, हम आप तक अपना स्वर पहुँचाने में असमर्थ हैं। हमारी दृष्टि के संकेत को समझिए गणेश जी। ये सभी इस दिशा में क्यों देख रहे हैं? ये कैसी ध्वनि है? जाना होगा मुझे वहाँ। सावधान रहना होगा मुझे। कहाँ है गणेश जी? रावण यहाँ है और मेघनाथ की जीवन लौ भी सुरक्षित है। अच्छा है कि गणेश जी यहाँ नहीं है। दशानन रावण ज्ञानी के साथ चतुर भी है, ये मुझे आज ज्ञात हुआ। ये यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने ही समीप तुम नौग्रहों को बंदी बना रखा है। भंडासुर ने स्वयं आकर बता दिया कि उसने आप सभी को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। अब मुझे आप सभी को मुक्त करके मेघनाथ की मृत्यु का योग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष क्यों झुका लिया? इन पिशाचों से मुक्ति के लिए तो महावीर हनुमान जी का नाम ही पर्याप्त है। किसी भी पीड़ा अथवा बंधन से मुक्त होने के लिए तो माता पराशक्ति श्री माता ललिता का नाम ही पर्याप्त है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आज के बाद और कलयुग के अंत तक विघ्नहर्ता गणेश और संकट मोचन हनुमान संसार के सभी विघ्न और संकट दूर करते रहेंगे। ये क्या, लक्ष्मण के बाण रुके नहीं और मेरा पिशाच अस्त्र नष्ट हो गया। अब आप सभी अपने स्थान परिवर्तित कर लीजिए।
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं। मैंने मेघनाथ की कुंडली में मृत्यु योग तो उत्पन्न कर दिया है, परंतु उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक रावण का महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं रुकेगा। आज तुम्हारा युद्ध कौशल धरा का धरा रह जाएगा लक्ष्मण। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात्। तुम कुछ भी कर लो लक्ष्मण, किंतु पराजय का मुख तो तुम्हें देखना ही होगा। पूर्व में तो विषाक्त किया था मैंने तुम्हें, किंतु इस बार अंत करूंगा मैं तुम्हारा अंत। मेरा पिशाच अस्त्र सफल हुआ तो क्या हुआ, किंतु मेरा वैशावी शक्ति नली का अस्त्र कदापि विफल नहीं होगा, कदापि नहीं। नली का अस्त्र? नली का अस्त्र तो महाविनाशिनी अस्त्र है, उसका प्रयोग करेगा ये दुष्ट। मेघनाद सचमुच में एक कुशल योद्धा है, पहले अपने शत्रु को अवसर देता है और फिर अपना वास्तविक युद्ध कौशल दिखाता है। इस युद्ध का अंत लक्ष्मण का भी अंत होगा और आरंभ होगा मेरी विजय के मार्ग का। नलिकास्त्र। आकार में सबसे छोटा किंतु सबसे सर्वनाशी अस्त्र है। इसके विनाश की परछाई का प्रभाव युद्ध भूमि के बाहर भी पड़ता है और ये किसी भी आसुरी अथवा दिव्य कवच को भेद सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग निषिद्ध है। युद्ध के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग सर्वथा अनैतिक है, क्योंकि इससे वार करने वाले को अनुचित लाभ मिलता है। मेघनाद का सुरक्षा कवच मिटेगा तभी समानता का युद्ध संभव होगा। गणेश, हम इसके लिए रावण का ध्यान भंग नहीं कर सकते, ये वैदिक धर्म के विरुद्ध होगा। लक्ष्मण भैया, हमें मेघनाथ द्वारा इस अनर्थकारी अस्त्र के प्रयोग को रोकना होगा। इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र। स्वयं इंद्रजीत को इंद्रास्त्र का भय दिखा रहे हो तुम, ये क्या हानि पहुंचा सकता है मुझे? जब कोई भक्ति में डूबकर मंत्रोच्चारण कर रहा हो तब उसका ध्यान भंग करना वैदिक धर्म के विरुद्ध है, किंतु उसकी भक्ति की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि यदि वो किसी अनुचित प्रयोजन से मंत्र जाप कर रहा है तो उसके अंतर को भी ये अवश्य ज्ञात होगा और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। मेघनाथ, तुम भूल रहे हो, इंद्रास्त्र तुम्हारे अंत का कारण बना था और पुनः बनेगा। जो हो गया वो हो गया, किंतु अब जो होगा उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। ओम
पाकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जय मां पराशक्ति, 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 जय मां पराशक्ति। ये चारों तरफ अंधकार क्यों होने लगा? किसी अनिष्ट की परछाई लग रही है मुझे। ये कैसे संभव है? मुझे गर्व है तुम सब पर। मेरे पुत्र मेघनाथ का वध कर दिया लक्ष्मण ने। चंद्रहास इसका प्रतिशोध लेगा। नवग्रहों, तुमने मेरे पुत्र मेघनाद के कुंडली में मृत्यु योग उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। गणेश जी, दशानन रावण, बार बार सचेत करने के बाद भी व्यक्ति यदि अपने आचरण और स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता तो उसके परिणाम का उत्तरदायी वो स्वयं होता है। अपने पापों के परिणाम के भागी तो तुम भी बनोगे जब प्रभु श्री राम के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। श्री राम के द्वारा अपने पापों के परिणाम के भागी तो तुम भी बनोगे जब प्रभु श्री राम के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। विफलताओं के सागर से विजय का मोती चुनना होगा मुझे। कुछ तो शीघ्र करना होगा। लंकेश, असफल ही होने आए थे क्या? पहले की निराशा पर्याप्त नहीं थी क्या? बताइए मुझे, ये कैसा युद्ध कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम कुंभकर्ण का अंग और फिर तुम्हारे पुत्र मेघनाद का अंग। क्या हुआ आपके उस अभिमान का कि आप तीनों, तीन ही नहीं असंख्य असुरों के समान हैं? क्या हुआ आपके उस वचन का
कि आप मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। आप इस प्रकार पराजित क्यों हो रहे हैं दशानन? दोष मेरा नहीं, तुम्हारा है भंडासुर। मेघनाद लक्ष्मण और हनुमान का सामना कर रहा था, बाकी सभी चुनौतियों का सामना करने का उपाय मैं कर चुका था, किंतु तुम विघ्नहर्ता गणेश को विघ्नकर्ता बनने से नहीं रोक पाए और उन्होंने यहाँ आकर सारे नौ ग्रहों को मुक्त कर दिया। नहीं, यह असंभव है। मैंने स्वयं यहाँ आकर देखा था, यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो नौ ग्रह मुक्त कैसे हुए? मेरे पुत्र मेघनाद का मृत्यु योग कैसे बना? मेरा ध्यान कैसे भंग हुआ? इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर, कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं? 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 जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो। त्रुटि तो हुई है मुझसे, मेरा त्याग जो अधूरा रह गया। पिताश्री के नेत्रों में मेरे लिए कैसा संशय है? नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? मेरी त्रुटियां गिनाने के लिए नहीं, मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपको पुनर्जीवित किया है मैंने। विजय तो तुम्हारी ही होगी भंडासुर, इस युद्ध का अंत नहीं हुआ है अब तक। युद्ध का प्रारंभ उन्होंने किया था, अब इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। अब ये इस युद्ध का अंतिम चरण है, क्योंकि अब रावण के सिवाय युद्ध के लिए कोई अन्य असुर शेष नहीं, इसलिए अब युद्ध करने वो स्वयं आएगा। शक्ति, आपकी कृपा से मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। श्री राम, ये रथ स्वीकार कीजिए। धन्यवाद माता। We'll be right back.
बार रावण आपके हर अस्त्र के लिए तैयार है। पर्वत अस्त्र, इस शिला रूपी पर्वत अस्त्र का क्या प्रभाव होगा? ये पर्वत रूपी अस्त्र हम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा। मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये पर्वत रूपी अस्त्र तुम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा। प्रभु, अपने इस दास को इसका उपाय करने दीजिए। श्री राम। दशानन रावण भी विफल हो रहा है इनके सामने और पितृ पर्वत भी नष्ट हो गया। इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर, कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं। उसे पाताल की अगल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो। विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, क्या कर दो अपनी पुत्री, जाओ कर दो अपनी पुत्री का, कर दो अपनी पुत्री का। कहीं ये तो नहीं युद्ध में मेरी पराजय की कारण? यदि भंडासुर ये सोच रहा है कि उसकी पराजय रश्मि प्रभा के कारण हो रही है, तो अब रश्मि प्रभा वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। आपको मेरी सौगंध है प्रभु। ऐसी संतान का क्या लाभ है जिससे मुझे हानि हो? पिताश्री, मुझसे क्या भूल हुई है? आप मुझसे इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हनुमान, खेल के आरंभ में तीव्र दौड़ने वाला अश्व खेल के अंत तक थक कर हार ही जाता है। तुम्हारा भी वही परिणाम होगा। सावधान, अब सामना करो मेरे विशेष अस्त्र का। ये तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान। दानव अस्त्र, दानव अस्त्र। Thank you.
तो समाप्त हुआ है और ना ही मेरी पराजय हुई है, क्योंकि अनेक भयंकर अस्त्रों के धनी दशानन रावण जैसे महायोद्धा को पराजित करना असंभव के समान है। नहीं, अभी ये दुष्ट पुनः निश्चिंत हुआ है, इसलिए अभी तो ये रश्मि प्रभा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बल युद्ध करो मुझसे। ये तो जैसे दो महावानरों का महाविनाशी युद्ध है। एक और मेरा ये दानव हनुमान को परास्त करेगा। और दूसरी ओर मैं तुम दोनों भ्राताओं को पराजित करने का आनंद प्राप्त करूंगा। अब बारी है एक ऐसे अस्त्र की जिससे बचना असंभव है। कदाचित मुझे इसका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए था। रावण अस्त्र, रावण अस्त्र। इन दुष्ट असुरों के पास और कितने भयंकर अस्त्र हैं? और ये रावण अस्त्र क्या है जिसका प्रयोग अब इस रावण ने किया है? माता, तप की ऊर्जा और शक्ति का कोई तोड़ नहीं। रावण का ये अस्त्र उसके 10,000 वर्षों के तप का फल है, इसीलिए अत्यंत भयंकर ही नहीं घोर विनाशकारी भी है। इसको रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शक्ति का पालन हो जाएगा। तुम कितने भी प्रहार कर लो, किंतु इस राम भक्त हनुमान को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। इस असुर के हाथों में तो मेरे अनुमान से अधिक शक्ति है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। देखा, कुछ नहीं हुआ ना मुझे। तुम्हारा वार व्यर्थ हो गया ना। परिस्थितियां रावण की दास है, रावण परिस्थितियों का नहीं। उन्हें दौड़ना मरोड़ना रावण भली भांति जानता है। दशानन रावण, मैंने तुम्हारा स्मरण पहले क्यों नहीं किया? मेरी विजय बहुत पहले हो जाती।
भैया की ओर बढ़ते हुए ये रावण रूपी अस्त्र बाण अभी तक नष्ट नहीं हुए। रावण ने तो सभी ओर संकट उत्पन्न कर दिया है, इसका शीघ्र उपाय करना होगा मुझे। माता, रावण ने जो पाप और अधर्म अपने जीवन में किए हैं, वो तो निसंदेह ही बुरे हैं, किंतु उनसे भी बुरा है उसके तप का अहंकार, जो उसे और उसके अस्त्र को शक्तिशाली नहीं दुर्बल बनाएंगे। तब तो माता मैं समझ गया इस रावण अस्त्र को कैसे मिटाना है। शीघ्र जाओ पुत्र, और जाकर प्रभु श्री राम को सूचित कर दो। कहीं श्री राम के निकट उनका विघ्नहरने तो नहीं आए हैं? प्रभु, रावण अस्त्र में भले ही उसके तप की शक्ति समाहित है, जिसे रोकना सरल नहीं, किंतु अधर्म, पाप और अहंकार को धर्म की शक्ति सरलता से मिटा सकती है। अब कोई संकट नहीं है मेरे लिए। गणेश जी ने जो भी युक्ति सुझाई होगी वो मेरे रावण अस्त्र के समक्ष निष्फल हो जाएगी। ये 10 बाण और सबका अंत। प्रणव शब्द ओम ओंकारम अस्तु ओंकारम अस्तु ओंकारम अस्तु। प्रभु श्री राम ने धर्म, वेद और प्रणव शब्द की शक्ति से एक नए अस्त्र को क्रियान्वित किया है, जो रावण के रावण अस्त्र की समस्त शक्ति को सोख लेगा और उसके दोष और पापों के साथ उस अस्त्र को भी नष्ट कर देगा। तुम्हारी सेना दोनों नष्ट होंगे। अब बता दूंगा, अंत कर दूंगा तुम्हारा। जो अधर्म से उत्पन्न हुआ हो वो धर्म की शक्ति के आगे कभी नहीं टिक सकता। जो संभव हो वो कर लो श्री राम, सब व्यर्थ है। तुम में से ऐसा कोई नहीं जो मेरे अस्त्रों का सामना कर सके, ना ही तुम्हारा भक्त हनुमान मेरे दानव अस्त्र से निकले दानव का सामना कर सकता है, ना ही तुम्हारा अनुज लक्ष्मण मेरी सेना का, और ना ही तुम स्वयं प्रभु श्री राम। मेरे दिव्य अस्त्रों को कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे इन लकड़ियों के बाण से। अधर्म ये कभी नहीं समझ पाते रावण कि धर्म की साधारण सी लगने वाली शक्ति भी अधर्म की असाधारण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होती है, जिसका प्रमाण अब प्राप्त होगा तुम्हें। उजागर राम अतुलित मल धामा
सच है, राम का नाम अपार शक्ति का स्रोत है जिसके आगे और कुछ नहीं टिकता। किसी माया का परिणाम है। जो शस्त्र अपार विनाश कर सकते हैं, जिन्हें पराजित करना असंभव है, वो कैसे नष्ट हो रहे हैं ये समझने में असमर्थ हूं मैं। समझने में असमर्थ हो बंडासुर, अथवा समझ कर भी ना समझ बन रहे हो। जो तुम्हारी पराजय का कारण है वो तुम्हारे सामने है, जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, जिसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। पिताजी को अचानक फिर से ये क्या हो गया है? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे उन्हें मुझसे ही कोई बैर है? रश्मि प्रभा पुनः कहीं संकट में ना आ जाए। येन हेन प्रकारे इस बार इस युद्ध में विजय मेरी ही होगी। तुमने जो अपराध किया है अब उसका दंड दूंगा तुम्हें। रावण, तुम पुनः अपने अंत के निकट हो। असुरों, तुम्हारे प्रत्येक आक्रमण का उत्तर है हमारे पास। बस अब तुम्हारी ये क्रीड़ा रोकनी होगी मुझे। मेरा रथ नष्ट हो गया। दूर फेंक दूंगा यहां से। आओ तो प्रयास करो दुष्ट। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रावण जो भी कर रहा है उसका कोई लाभ नहीं हो रहा, और उसका कारण है ये रश्मि। क्या हुआ पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? कितना मधुर स्वर है इसका, कितनी निर्दोष है ये।
चारों से प्रेम भाव पर तो विजय पा ली, फिर अब क्यों रुके हो तुम? जब सब कुछ भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि तुम्हारे पराजय के मूल में यही है, इसका ही अस्तित्व है। पिताजी क्या सोच रहे हैं? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सब नष्ट हो रहा है वहां। नहीं नहीं, पुत्री के प्रेम में पड़कर मैं पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। पूर्व में जो कार्य मुझसे अधूरा रह गया, उसे अब मैं पूर्ण करके रहूंगा। बार बार पराजय से सामना होने के कारण भंडासुर अपना संतुलन खो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विकारों के प्रभाव में वो अवश्य रश्मि प्रभा को पुनः हानि पहुंचाने का विचार करेगा। तुम अभी भी इस पराजय को जय में परिवर्तित कर सकते हो भंडासुर। त्याग उसे करना चाहिए, तुम्हें नहीं भंडासुर। विजय के लिए कुछ भी करना उचित है भंडासुर। इसके पूर्व के राम दशानंद रावण के अंतिम शीश को विलग कर उसका अंत करें। तुम ये त्याग करो, ये सोच विचार का नहीं, कुछ करने का समय है भंडासुर। त्याग करो उसका, यही एक मार्ग शेष है। शीघ्र करो, तभी विजयी हो गए। तुम्हारे पद की बाधा तो तुम्हारे सामने है। त्याग करो उसका, त्याग करो उसका भंडासुर। क्या करो, क्या करो उसका, करो उसका, क्या करो भंडासुर, क्या करो उसका, क्या करो उसका। मेरा वध करना इतना सरल नहीं है राम। तुम जितने शीश विलग करोगे
मैं उतने ही नए शीश उत्पन्न करूंगा। बस अब बहुत हुआ राम, तुम्हारा कोई भी बाण अब मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए जितने भी बाण चलाने हो चला लो। रश्मि प्रभा, मुझे पुकार लो तो मैं तुम्हारी रक्षा करने वहाँ पहुँच जाऊँगा। जो प्रतिज्ञा तुमने मुझसे ली थी उससे मुझे मुक्त कर दो। मेरा कदा प्रहार तुम्हारे शरीर को भेद देगा। अब तुम प्रहार ही नहीं कर पाओगे। कहा था ना मेरे राम, कोई क्षति नहीं होगी। पिछली बार भी प्रभु श्री राम ने रावण का वध तभी किया था जब श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के बाण को उचित दिशा दी थी। इसलिए रावण का वध तो तभी संभव है जब फिर से प्रभु के बाण का वार उसकी नाभि पर हो। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये ज्ञात होने पर भी इसमें हनुमान जी की सहायता की प्रतीक्षा करेंगे, किंतु हनुमान जी तो इस दुष्ट में उलझे हुए हैं। विजय होगी, इसलिए अब तो ये त्याग अनिवार्य है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री, आप अपनी पुत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं। ना, अब कुछ नहीं, तुम्हारी कोमलता मिठास कुछ नहीं रोक सकेगी मुझे। बिना रश्मि प्रभा के पुकारे मैं भंडासुर को रोकूं तो कैसे रोकूं? उसकी रक्षा की कोई तो युक्ति शीघ्र सोचनी होगी मुझे। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम के बाण भी व्यर्थ होते रहेंगे। मेरी शक्ति के आगे इस बार असहाय हो तुम प्रभु श्री राम। भंडासुर को ये विश्वास है कि यदि वो रश्मि प्रभा का त्याग करेगा तो रावण की विजय हो जाएगी, तो उसका वो भ्रम तोड़ना होगा मुझे। और ये तो हनुमान जी की सहायता से रावण का वध होने के बाद ही होगा। मुझे अभी जाकर हनुमान जी को प्रभु श्री राम के पास भेजना होगा। विजय होऊंगा मैं। हनुमान जी,
हनुमान जी तो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। अब मैं उनका ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं? प्रभु श्री राम! क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम को? हटा दुष्ट, मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना है। कुछ नहीं होगा, कहा था ना मैंने, कुछ नहीं होगा मुझे। ये अधर्मी रावण प्रभु श्री राम का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। मुझे क्षमा करें हनुमान जी, श्री राम का आज आपके बिना कहाँ संभव है। प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कदापि कुछ नहीं कहेंगे, किंतु उन्हें आपकी आवश्यकता है। पूर्व में भी आपने ही प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता की थी, और अब वो समय आ गया है जब उन्हें पुनः आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्रभु श्री राम को मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता तो मुझे है तुम पर वार करने की। प्रभु, अब मैं आपका बाण व्यर्थ नहीं होने दूंगा। प्रभु भी जानते हैं कि रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भी उसकी नाभि को लक्ष्य नहीं करेंगे। अतः रावण के अंत के लिए ये कार्य मुझे ही करना होगा। जय श्री राम। नहीं, ये बाण मेरी नाभि की ओर कैसे बढ़ने लगा? जय श्री राम। रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्राप्त कर लेगा और मैं उस देवी से युद्ध कर सकूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है, तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। मेरे पिताश्री, मुझे विश्वास है आप मुझसे अधिक नहीं करते और आप फिर से मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए पिताश्री, आप जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। आप
अपनी छोटी सी पुत्री को हानि पहुंचाने का पाप करेंगे? जो अधर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका है उस पर कैसा विश्वास? ये वो भंड है जिसे बुद्धि का, ज्ञान का, परामर्श का कोई लाभ नहीं। मुझे पुकारो रश्मि प्रभा, मेरा नाम पुकारो और स्वयं को सुरक्षित करो रश्मि प्रभा। पिताश्री, क्या आपके लिए मैं नहीं वो सम्राज, वो अनेक लोगों पर आपका वर्चस्व अधिक बढ़ा है? हाँ, मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो तुम नहीं, इस युद्ध में मेरी विजय है और वो तुम्हारा त्याग करने पर ही संभव होगी। ये मेरे पिता समान ही कौन असुर है जिसे मैं पहचानते भी नहीं, और ये इतने दुष्टता भरे चेसिस कैसे हैं? इन्हें मैं पहले क्यों ना देख सकी? त्याग तो करना होगा, तुम्हारा त्याग जो इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मेरी सौगंध है प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वह मेरे रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मैंने वचन दिया है उसे, इसीलिए मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। रश्मि प्रभा, अब तो तुम अपने पिता का वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुकी हो, तो अब तो मुझे पुकार लो। यदि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है पिताश्री, तो आपको जो करना है कीजिए पिताश्री। मेरे विजय की बाधा को अब मैं और नहीं सहूंगा, अपने त्याग को पूर्ण करूंगा अभी इसी समय। प्रभु गणेश जी, प्रभु गणेश जी, प्रभु गणेश जी। बुद्धि सात तामसी, अर्थात तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण वस्तुओं को उल्टा मान लेती है। धर्म अधर्म के संघर्ष में धर्म का बल ही सदा सफल होता है। देखो भंडासुर, तुम्हारा खड़ग कैसे नष्ट हो रहा है। बस भंडासुर, दूर हटो अब। पिताश्री, अमरपुर से आ रही ये भयंकर ध्वनि कैसी है? गणेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो। हाँ कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गजानन से भेंट किए बिना यहाँ से प्रस्थान करना तो मेरे हृदय को नहीं भा रहा है। आपने उचित कहा हनुमान, हृदय तो अभी हम सबका भी नहीं भरा, किंतु कर्तव्य सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत करें हनुमान, आपको गणेश से भेंट करने के अनेकों अवसर मिलेंगे भविष्य, विशेष करके कलयुग में। अब गणेश द्वारा सभी देवी देवताओं के भक्तों की रक्षा के साक्षी बने, उसी प्रकार जिस प्रकार वो अभी अपने विशेष भक्त की रक्षा कर रहा है। रश्मि प्रभा, गणेश जी, मैं जानती थी आप मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। तो सर्वथा कुशल हो? नहीं गणेश जी, मैं कुशल नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गणेश जी, मेरे पिता का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है? सामने पुत्री के प्रेम से भी नहीं पिघलता। जो अपनी विजय से प्रेम करते हैं
उनके लिए प्रेम दया ममता का कोई अर्थ नहीं। विजय के लिए तो हृदय को कठोर करना ही पड़ता है। देखिए ना प्रभु, अब तो और भी क्रोध दिखाई दे रहा है। वो भंडासुर के पास अभी अनेकों अस्त्र हैं गणेश जी। अनुचित विजय की लालसा व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर धकेल ही देती है। फिर वो किसी का प्रेम अनुराग कहाँ देख पाता है। उसमें तो केवल भंडासुर के समान एक क्रूर असुर ही शेष रह जाता है। अब ये धूर्त क्रूर भंडासुर पीछे से आक्रमण कर रहा है। चिंता मत करो रश्मि प्रभा, मैं सदैव तुम्हारा कवच बनकर रहूंगा। गणेश जी फिर मेरे मार्ग में आ गए। पापी हो तुम, घोर पापी, किंतु तुम पाप और अधर्म के मार्ग को अपनाकर इतने नीचे गिर जाओगे, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी भंडासुर। दोष तो मेरी कल्पना का था, प्रभु माना था मैंने आपको, मेरे जन्मदाता, मेरे प्रभु, मेरे विघ्न हर्ता थे आप। भी मेरे मार्ग का विघ्न बनकर खड़े हैं, किंतु विजय के पथ में जो बाधा आए पराक्रमी उसे हटा कर ही आगे बढ़ते हैं। पिताजी अब भी क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो गणेश जी से आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आगे बढ़ना है और आपको मेरे मार्ग से हटना ही होगा गणेश जी। मैं किसी भी बाधा में अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो, और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी, इतना तो चलता है गणेश जी। मेरे पिता के भीतर ये कौन आ गया है, और ये भी भूल कर पिताश्री ईश्वर पर वार नहीं किया जाता, उनके शरण में जाया जाता है। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। माता अब आप मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाऊं। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबली हनुमान जी जय। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबली हनुमान जी जय। जय श्री राम। बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी।